छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट जो है आप लोगों के लिए सीजी व्यापम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है निकल कर आया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के कुल टोटल जो है 400 पदों पर भर्ती होना है। आप लोगों को इस सीटों में मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊँगा कि जनरल OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट होगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है और कंप्यूटर्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर एग्जाम में जो है 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कम से कम आपको जो है 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आएगा, 25 मार्क्स, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो किस तरह से आप जो है एग्जाम्स में 25 नंबर ला सकते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के दे रहे हैं तो आप जो टिक मार देंगे बस उससे आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको सभी चीज़ों के बारे में MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, अधिकतर स्टूडेंट का कंपटीशन एग्ज़ाम इसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाता क्योंकि वो MCQ को बस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, आपको उसके बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी इकट्ठा करना होता है। पता नहीं रहता है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन उठाकर जो है दे दिया जाता है, लेकिन जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उससे आपके एग्ज़ाम्स में 25 नंबर आ ही जाएंगे, इससे और ज़्यादा, कम से कम आपका जो है 40 से 45 मार्क्स भी बन जाएगा अगर जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि जितना नंबर खींच सकते हैं, अगर आप 50 में 45 नंबर भी ला सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। साथ में आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास कंप्यूटर्स के पूरे नोट्स हैं, मैंने कंप्यूटर्स कोर्स भी किया है, एक एक चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ताकि आप लोगों को और बहुत अच्छे से जानकारी भी मिल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जिनको अगर नोट्स चाहिए, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। खास तौर पर जो गांव में रहते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जा सके और अपने खर्चे को मेंटेन कर सके, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं अपने नोट्स ज़रूर प्रोवाइड्स करूंगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप जो है कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 400 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती हैं। अगर आप एक बार हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं, इसमें आपको जो है 22,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगा, 22,000 रुपये प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे अलग से आपको जो है दिया जाता है, यानी कुल टोटल जो आपका सैलरी होगा भत्ता के साथ आपका कुल टोटल सैलरी होगा वो आपका 24,400 रुपये होगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात ही अलग होता है, अराउंड आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, मेहनत करो, आपको 2 से 3 चीज़ें एक साथ मैनेज करके चलना होगा। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई के अलावा मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकता, दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ज़िंदगी में 2 से 3 चीज़ों को एक साथ मैनेज करके चलना होता है। आपको, आप उसके बाद ये बोलेंगे बाद में कि आप, मेरे पास समय नहीं था इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये चीज़ें झूठ बोलते हैं, सच ही है, सीरियसली आप जो है झूठ बोलते हैं। क्योंकि 24 घंटे में अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके, आप कुछ अच्छा काम जो पढ़ाई है उस पर आप जो है टाइम स्पेंड कर रहे हो, फालतू के टाइम, फालतू की चीज़ों पर टाइम व्यस्त कर रहे होंगे, टाइम खर्च कर रहे होंगे, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, इससे ही आपको ज़िंदगी बदलना है ना, तो जिसे आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करके, तो वो आप नहीं कर रहे हैं और फालतू की चीज़ों पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जिससे आपका भविष्य संवरने वाला, उस पर मेहनत कीजिए। अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, यदि आपका 12वीं कंप्लीट हो चुका है, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स में यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप आराम से इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मेहनत करने की देरी है। अगर आप अपना 100% देंगे तो वापस से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं 100% जेन्युइन बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितना आप मेहनत करते हैं ना, वापस से आपको रिज़ल्ट मिलता है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मैं इस समय अपना 200% दे रहा हूँ, मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा हूँ, 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्स में उतने अच्छे से मार्क्स नहीं आ पा रहा है, या फिर मार्क्स आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, और इतने ज़्यादा प्लस कॉम्पिटिशन है, और इतने ज़्यादा हम सोचते हैं कि फेलियर महसूस हो रहा है, तो अब आखिरकार हम करें तो क्या करें। एक समय के बाद स्टूडेंट को लगने लगता है कि यार अब कॉम्पिटिशन्स का मिलना ये हमारी किस्मत में नहीं है,
या हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। असल में किस्मत हम खुद बनाते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर आप तैयारी करोगे, तो आज नहीं तो कल आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगा। आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। बस उसके लिए हमें तैयार रहना। आज भले ही आपकी ज़िंदगी ना बदले, आज भले ही आपको नाकामयाबी मिले, आपको कामयाबी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको शोहरत, आने वाले समय में बुलंदी अवश्य रूप से मिलेगा। बस इसके लिए हमें मेहनत करना होगा, और मेहनत करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खुद पर भरोसा करना। अगर देखिए दुनिया में जो होता है ना, चाहे आपके दोस्त हो, घर परिवार के रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ आपके माँ बाप के अलावा आपके कोई सक्सेस को सक्सेस में आपका साथ भी नहीं देगा, और फेलियर में तो आपको धिक्कारेंगे, फेलियर में तुमको तो डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कोई नहीं बोलने वाला कि तू कर सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग तुमसे ये बोलेंगे कि यार ये तो तू नहीं कर पाएगा, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नामुमकिन है, ऐसा वैसा। तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है तो ये आगे मत बढ़ पाए, ऐसा उन लोगों की मेंटेलिटी सोच रहता है। तो जब आपको पता है, आपको भरोसा अपने आप पर, फुल कॉन्फिडेंस है, तो आपको वर्क करना है, आपको मेहनत करना है, और जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा कामयाबी, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही बेस्ट रिज़ल्ट आप लोगों को मिल पाएगा। तो अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना, और जितना ज़्यादा हो सके वर्क करना, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना। और ज़िंदगी आपकी है तो खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपने आप पर भरोसा रखना, तो खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, अपने आप के ऊपर जो है भरोसा रखिए। अगर आपको अपने आप पर भरोसा रहेगा, काम करोगे, तैयारी करोगे, तो एक दिन वो पल आएगा, एक दिन वो समय आएगा जब आपकी ज़िंदगी बदलेगा। बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना है। आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। आज आपको फेलियर मिल रहा है, और ये बिल्कुल भी नहीं है, और आपके टीचर्स भी या कोई भी हो, आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। अगर तुम्हारे टीचर्स भी अगर तुमको बोलते हैं ना, या फिर तुम्हारे दोस्त मित्र, या फिर तुम्हारे गाँव वाले, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार अगर तुमसे कुछ बोलेंगे ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और वैसे भी तो पढ़ाई में उतना इंटेलिजेंट तो है ही नहीं कि तू कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें, आपको बिल्कुल भी उन लोगों की बातें नहीं सुनना है। आपको जब अपने आप पर भरोसा है ना, तो दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऐसी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जिसे तू कर नहीं सकता। बस अपने आप पर वो बिलीव बनाना होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना होगा, आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास आपको है, सभी चीज़ पॉसिबल है। सो प्लीज़, अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ मेहनत करके, और अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस मैं कर रहा हूँ। एक मेरे एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को उतना जो है वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। तो जितना वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, प्लीज़ उन पर अपना सपोर्ट और प्यार जो है बनाए रखें, और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट तक वीडियो जो है पहुँच सकें। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस खुद पर यकीन कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका नौकरी ज़रूर लगेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए।